हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रेंज टेस्ट करेंगे मैविक मिनी का। और ये जो टेस्ट है वो हम लोगों ने हाईवे पे किया है, एक कंप्लीट खुले ग्राउंड में, जहाँ पर कोई भी सेल टावर नहीं है और ना तो कोई वाईफाई है, और मैंने अपना फ़ोन का वाईफाई भी बंद कर दिया है। तो देखते हैं आज मिनी कहाँ तक हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। हाइट मैंने इसकी 51 मीटर्स रखी है और अब ये धीरे धीरे 178 मीटर्स दूर जा चुका है। कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही है, मेरे पास बार्स पूरी आ रही हैं। पिक्चर क्वालिटी अभी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ रही है। ये हमने ऑलमोस्ट 400 क्रॉस कर लिया है। ये हम 600 क्रॉस करने वाले हैं। 600 क्रॉस हो चुका है। अब हम ऑलमोस्ट 1000 मीटर क्रॉस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरे पास इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि हाईवे के ऊपर हम लोग हैं और कोई भी गाड़ी अगर हमारे क्रॉस करती है तो कुछ सेकंड ही मेरा नेटवर्क कट जाता है ड्रोन के साथ और वापस जुड़ गया है। अब अराउंड हम लोग 1000 मीटर से आगे जा चुके हैं। फिर मेरे आगे एक बार सेकेंड टाइम एक ट्रक पास किया है मेरे को और कुछ सेकेंड ही नेटवर्क कटेगा, फिर वापस नेटवर्क ज्वाइन करेंगे। नेटवर्क द्वारा ज्वाइन हो चुका है। नेटवर्क लीक इन करने के बाद हम लोगों ने फिर उसको आगे पुश किया, एक बार से फिर नेटवर्क कटा है क्योंकि तो मेरे आगे सेंट्रल मीटर पास किया है। अभी मैं हम लोग द्वारा ये दोबारा हमने रीगेन कर लिया है। हमने ऑलमोस्ट 1400 मीटर क्रॉस करने वाले हैं। कोशिश यही करिएगा कि जब भी आप किसी की फ्रीक्वेंसी सेट करें तो उसको ऑटोमेटिक पर न रखें, मैनुअल पर रखें। और मैनुअल पर रखने के बाद आपने जो फ्रीक्वेंसी चेक सेट करनी है वो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ करें क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 5.8 गीगाहर्ट्ज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मच बेटर रेंज देती है। और अर्बन एरियाज के अंदर थोड़ी सी रेंज की इशू रहता है, तो कोशिश यही हो कि आप लोग इनको हाईवेज के ऊपर या फार्म्स के ऊपर उड़ाएं।
एक बार से फिर एक ट्रक ने हम लोगों को हाईवे पे क्रॉस किया है, जिससे रेंज में दोबारा से मुझे डिस्टर्बेंस आई है और रेंज कट गई है। अब दोबारा से इसने रीगेन कर दिया है। आज का टेस्ट हमारा बहुत अच्छा गया। हमने तकरीबन 2250 मीटर तक इसको फ्लाई करा और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रही। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि हम इसकी रेंज और आगे तक इसको हम फ्लाई कर सकें।
प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।